तो फ्रेंड्स, आज आप जैसे ही इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ करने के लिए जा रहे हो तो गाइस आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, कुड नॉट रिफ्रेश फीड कर, और गाइस के बाद आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे होगे। तो गाइस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक निकल कर आई हुई है, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो गाइस आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो आप एंड तक देखते रहिए, और गाइस अगर मेरे चैनल पर आप नए हो या फिर आपने पहली बार विजिट किया तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑब्वियसली ज़रूर से कर लीजिए। तो गाइस आज मैं आपको ऐसे दो आसान तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा, यहाँ से इंस्टाग्राम लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद गाइस अगर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कोई अपडेट आई हुई है नई, तो गाइज़ आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम को गाइज़ अपडेट कर लेना होगा। कभी कभी ये प्रॉब्लम गाइज नई अपडेट आने की वजह से भी आती है, तो गाइज़ आप सबसे पहले इसको अपडेट कर लीजिए। और गाइज अपडेट करने के बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो गाइज़ अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा, तो गाइज़ मोबाइल की सेटिंग्स वाला ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा। इसके बाद गाइज़ आपको यहाँ से सबसे नीचे आकर ऐप्स वाला ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, इस ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको एक मैनेज ऐप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देना। यहाँ से गाइज आपको इंस्टाग्राम लिखकर सर्च कर लेना होगा, तो गाइज यहाँ से मैं इंस्टाग्राम लिखकर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर आप आ जाओगे। तो गाइज आगे यहाँ पर कुछ भी करने से पहले आपको अपना आईडी पासवर्ड यहाँ से ध्यान रखना है, इंस्टाग्राम अकाउंट का भूलना नहीं है। तो आपको सबसे नीचे जो क्लियर डेटा वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको गाइज क्लियर डेटा वाले बटन पर क्लिक कर क्लियर कैश पर क्लिक करना है सबसे पहले। इसके बाद क्लियर ऑल डेटा पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहां से ओके पर आपको क्लिक कर देना है, ओके वाला बटन आएगा। फिर एक बार बता दूं गाइज आपको आईडी पासवर्ड नहीं भूलना है, क्योंकि ये करने के बाद गाइज जो आपका इंस्टाग्राम है वो दोबारा से लॉग आउट हो जाएगा, आपको दोबारा से गाइज इंस्टाग्राम में जाकर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद गाइज आपका जो इंस्टाग्राम है गाइज वो रिफ्रेश हो जाएगा दोबारा से, और जो कुड नॉट रिफ्रेश फीड वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी अब गाइज वो सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगी, वीडियो से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।